कपिल कला केंद्र के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस संस्था ने भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े गायक पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की 95वीं जयंती के अवसर पर, 95वीं वर्षगांठ के अवसर पर, अगर यूं कहिए कि अगर वो हयात में होते तो आज 95 वर्ष उनकी आयु होती और न जाने कितने 100 गाने वो गा चुके होते जो आज उनके गाने के लिए लोगों के कान तरस रहे हैं उनकी आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन आपको ध्रुवराज चैनल के माध्यम से उनके गाने वाले लोगों को मैं आज प्रस्तुत करूंगा उनके 95 जन्मदिन के अवसर पर। ये मेरे लिए, कपिल कला केंद्र के लिए खुशी की बात है, चैनल के लिए खुशी की बात है कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं हैं हयात में, वह जन्नत नसीं हैं, स्वर्ग में हैं, लेकिन उनके चाहने वाले उनकी हूबहू आवाज़ में गाकर उनकी कमी जो भर सक प्रयास कर रहे हैं पूरी करने के लिए। मैं कपिल कला केंद्र की तरफ से मैं आए हुए सभी अपने मेहमान, खास तौर से आज के प्रमुख अतिथि मनराज प्रतिष्ठान, एक सामाजिक संस्थान है जिसका एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आप लोगों को जानकारी के लिए कि यह संस्था अभी तक कम समय में 167 मेडिकल कैंप कर चुकी है झोपड़पट्टी के लोगों के लिए, हित के लिए, वो झोपड़पट्टी के गरीब जनता के लिए, जहाँ दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, गरीबों को नहीं मिल रही है, वो दवाई मनराज प्रतिष्ठान लोगों को झोपड़े में, आदिवासी इलाकों में जा जा करके दवाइयाँ दे रही है, लोगों को निरोग रहने का संदेश दे रही है। आज वो पेपर के संपादक भी हैं, भवन निर्माता भी है। मैं ऐसे समय में ज़्यादा समय न लेकर के मैं चंद शब्द में मैं कहूँगा कि मैं पिछले 20 से 28 साल से मैं उनको भारत रत्न मांग रहा हूँ भारत सरकार से, और मैं निरंतर लिखता हूं। लेकिन इस बार खुशी की बात यह है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने कहा है कि इस बार मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में संसद में मोहम्मद रफ़ी को भारत रत्न का मांग करने के लिए मैं संसद में उठाऊंगा। और मैं ऐसे में ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं माननीय मनोज राजन नाथानी जी से कहूँगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में 2 शब्द बोलिए, उनकी गाने के बारे में 2 शब्द बोलिए, और क्या वो भारत रत्न के लायक हैं तो आप खुद अपने ज़ुबान से बोलिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद। सबसे प्रथम मैं कपिल कला केंद्र का धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस अवसर पर मुझे बुलाया गया है। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या बोलना, उनके बारे में बोलने की हमारी लायक ही नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के दिलों में समाये हुए हैं। उनके लिए जो कपिल कला केंद्र ने मांग की है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, यह जाहिर सी बात है, हर हिंदुस्तानी के मन में यही आशा है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। और जो रही बात है, जो मेरी सबसे गुजारिश एक यही है कि जो देश में वातावरण चल रहा है, हम मोहम्मद रफ़ी साहब को देखें, उन्होंने जिस तरह से अमन, प्यार और आपस में भाईचारे की बातें की है, हम उसको कायम रखें। जो होना है होते रहेगा, मगर हम सब एक हैं, हम सब एक बन के रहें, यही मिसाल हमें मिलनी चाहिए। मैं कपिल कला केंद्र का फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। तो ये थे मनोज राजन अथानी साहब, जो मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि भी दी, भारत रत्न की मांग भी की चंद शब्दों में, और बहुत बड़ी बात वो जो कह चुके जो मेरे जहन में नहीं थी कि आज का जो अशांति का वातावरण चल रहा है देश में, पूरा देश जल रहा है, उन्होंने ये जलने के लिए ऐसे गाने नहीं गाए थे। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दोस्त के लिए बात कर रहा हूँ, जो अभी 10 दिन पहले वो भी रफ़ी साहब का चाक था, 24 तारीख को आज आने वाला था, उसको अटैक आ गया ट्रेन में, उसने सूरत स्टेशन पे उतर के जो बोला कि मेरे को रफ़ी साहब का वो गाना सुनाओ, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, ईद मरने की अदा तो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जान मन कहलाएगा। दूसरा कोहिनूर थे,
ये दूसरे कोहिनूर थे, जो ब्रह्मांड के अंदर कोहिनूर एक ही होता है, ये दूसरे कोहिनूर थे मोहम्मद रफ़ी साहब, और उनको कोई टाल नहीं सकते, रोक नहीं सकते। और मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे, तो मैं क्या कहता हूँ, मैं उनको कुदरत की बारों में बाजू में रख कर देखता हूँ। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके गाने सुन पाया इस युग में, और कला केंद्र की ओर से उनका जो कुछ काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं जूनागढ़ से आया हूँ, शहर है जूनागढ़, जो भारत में शहर कहीं नहीं होता है जूनागढ़ के सिवा, वहाँ से मैं आया हूँ। रफ़ी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपने वो बात कह दी जो बात किसी ने नहीं कही थी। तो ये थे हमारे कपिल कला केंद्र का कार्यक्रम। मैं आप सभी लोगों का आभार अभिनंदन करता हूँ। ध्रुव राज व्यू चैनल के कैमरामैन कामले साहब, कामले साहब, रिपोर्टर कपिल देव खरवार।